बेटे प्लीज अपने वीडियोस वगैरह बंद कर दें फौरन, ठीक है? नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी अपनी क्लास से। प्लीज बी केयरफुल इन, ठीक है? आपको स्क्रीन शो मेंशन शो हो रही है सब बच्चों को? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दीजिए। आवाज़ आपको आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है, नाउ हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज, डोंट रेज योर हैंड बेटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम होगी फिर आप, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी। अब नेक्स्ट मैंने बेटे पेरिस्कोप, बाइनोकुलर, ये सब कुछ मैंने आपको लेक्चर दे दिया था, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर है, पेज है बेटे, पेज नंबर 82। ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 82, ठीक है? अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा मिराज। कि मिराज क्या होता है, क्या आपने अक्सर देखा होगा कि हैव यू एवर सीन वाटर ऑन द रोड? क्या आप लोग को लगता है आप जा रहे होते रास्ते में, गर्म तरीन दिन होता है, ठीक है, हॉट सनी डे, उसमें आपको लगता है जैसे थोड़ी रास्ते पर आपको क्या होता है, आपको पानी नजर आ रहा होता है, ठीक है, परफेक्टली ड्राई रोड, पूरी परफेक्टली ड्राई है, लेकिन वाटर वॉज नेवर देयर, कहीं पे वाटर नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी देर के बाद आपको क्या है, आपको वाटर लगता है जैसे सामने जो है वो रोड पर वाटर है, तो इट इज कॉल्ड द मिराज, ठीक है? मिराज क्या है, इसको बेटा अंडरलाइन करिए, ये इसकी डेफिनेशन है कि मिराज सेकंड पैराग्राफ में, और यहाँ से आंसर नंबर 2 भी स्टार्ट होता है आपका, कि अ मिराज इज एन इमेज ऑफ सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर के फासले पे किसी चीज का जो इमेज होता है, विच अपियर्स टू अस, वो हमें नजर आता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, इन बोथ के, एक तो था आपका मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था जिसमें आपकी स्पीड एंड पाथ दोनों चीजें जो थी, वो स्पीड भी चेंज हुई थी और पाथ भी चेंज हुआ था, ठीक है? बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन था बेटा कि जिसमें लाइट जो होती है, एक तो रिफ्रैक्ट होती है जब लाइट अपने ही मीडियम में वापस बाउंसिंग करके वापस आती है, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों से मिलकर जो चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द एयर हायर अप, जैसे जैसे हवा ऊपर चलती जाती है, इज कूलर देन द एयर नियर द रोड, यानी जो रोड के नज़दीक एयर होती है उसकी बनिस्बत जो रोड, जो आपकी एयर जैसे जैसे हाई अप होती है, एयर जो होती है वो कूल होना शुरू हो जाती है। लाइट ट्रेवल्स फास्टर व्हेन इट रीचेज अस द फॉर्मर एयर, लाइट ट्रेवल्स करती है फास्टर जबकि ये कहाँ पहुँचती है, वार्मर एयर में, यानी गर्म हवा में जब पहुँचती है तो लाइट की जो स्पीड होती है वो फास्टर हो जाती है, ठीक है? ये आपके सिर्फ मिराज की डेफिनेशन है। इसे पूरे दोनों पैराग्राफ को मार्क कर लीजिए कि मिराज से लेकर आपने वार्मर एयर तक, ठीक है? नेक्स्ट वन बेटे प्लीज अपने आईडी नंबर के साथ आप लोग एंटर होंगे अपनी क्लास में, किसी बच्चे ने आगे पीछे नहीं जाना। अच्छा नेक्स्ट है बेटा के द एयर द लाइट रेज बेंड, जो लाइट रेज होती है वो बेंड होती है व्हेन बेंड एज द ट्रेवल डाउनवर्ड, जब लाइट ट्रेवल करती है डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ लाइट आती है तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नियर द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के साथ साथ या जमीन के साथ साथ जैसे जैसे लाइट ट्रेवल करते हुए नीचे आती है रिफ्रैक्शन की वजह से, वेयर एयर इज इवन मोर वार्मर, यहाँ पर एयर जो होती है वो उसकी बनस्बत ज़्यादा गर्म होती है, द लाइट रेज ट्रेवल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड, और एक वक्त ऐसा आता है कि जो लाइट रेज होती है जब ट्रेवल करती हैं तो ग्राउंड के पैरेलल हो जाती है। आपको बताया था जब ग्राउंड जो रेज है पैरेलल टू द अदर अदर मीडियम तो आपका क्या होगा कि क्रिटिकल एंगल हो जाता है, बन जाता है यानी 90 डिग्री के एंगल के बराबर आ जाता है, तो बट कंटिन्यूस टू द बेंड, जैसे जैसे मुस्तकिल बेंड होती जाती है इन अदर डायरेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यहाँ पे वो आपका मीडियम, क्योंकि वो फिर ये क्या होती है कि उसमें वो अपना मीडियम जो है वो चेंज अपने ही मीडियम में वापस आती, बाउंस करके टकरा कर वो वापस अपने ही मीडियम में आएगी, दोबारा दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी। जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो बेटा उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और जब लाइट अपने ही मीडियम में वापस आती है बेंड करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जो यहाँ पे लाइट बाउंसिंग करके वापस अपने ही मीडियम में वापस आती है, ठीक है? जब ये लाइट जो होती है मीडियम से, सरफेस ऑफ द मीडियम से जब लाइट टकरा कर ये वापस अपने मीडियम में आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो जब ये बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, आवर ब्रेन अज्यूम दैट द रेज हैव ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, कि आपको पता है कि हमारे ब्रेन में यही है कि हमारी जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट करती है, स्ट्रेट लाइन में करती है लाइट ट्रेवल। डेजर्ट ट्रेवल्स ऑफन ऑब्जर्व द मिराज, क्योंकि अक्सर आपने डेजर्ट में देखा होगा कि अक्सर जो है वो वहाँ पे
पानी तो बरसता नहीं, बहुत कम बारिश होती है, लेकिन वहां पे भी आपको इसी तरह सहरा में जो है वो चीजें नजर आती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। तो नेक्स्ट वन है बेटे फिश आई व्यू, के फिश आई व्यू क्या है कि वी हैव स्टडी डेट वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, यानी जब भी लाइट ट्रेवल्स करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में इट्स स्पीड चेंजेस, उसकी स्पीड भी चेंज होती है, विच कॉज द लाइट रिफ्रैक्ट द बाउंड्री, जब लाइट रिफ्रैक्ट करते करते बाउंड्री तक पहुंच जाती है, उसकी सरफेस तक सतह तक पहुंच जाती है, तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, तो लाइट जब वाटर से एयर में जाती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपको मैंने बताया था ना नॉर्मल क्या होता है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, वो परपेंडिकुलर क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर का मतलब सर्फेस के बराबर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और जब वो होती है तो वो 90 डिग्री के एंगल को मेंशन करती है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 48 डिग्री, जब लाइट जो है एंगल जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 48 डिग्री से, ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तमाम लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है बैक इनटू द वाटर, यानी वापस वो अपने ही उसमें वापस जाती है मीडियम में। अब आपको फिश सामने नजर आ रहा है, फिश आई व्यू नजर आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये देखिए फिश को शो करें, ये देखिए फिश की आई से फर्स्ट वन जो रे है आपकी, ये चेक करें कि फिश की फर्स्ट वन जो रे है वो है वाटर से एयर में पास हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा बेटर होगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे वो मीडियम को चेंज कर रही है, जब ये मीडियम को चेंज करेगी तो ये कौन सा पॉइंट होता जाता है बेटा, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे लाइट अपनी स्पीड भी चेंज करती है और बेंडिंग ऑफ लाइट भी होती है, ठीक है, यानी इसकी स्पीड भी और पाथ दोनों चीजें चेंज हो जाती है। सेकेंड रे है जो है वो बेटे नॉर्मल से टकरा के ये वापस, ये देखिए अपने ही मीडियम में वापस जाएगी, यहाँ पे वो क्या बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया, सरफेस ऑफ मीडियम के पैरेलल हो गया, जब सरफेस ऑफ मीडियम के पैरेलल हो जाएगी तो ये क्या कहलाता है बेटे, क्रिटिकल एंगल, इसमें क्या है कि इसमें ये इसके इक्वल सरफेस ऑफ मीडियम के पैरेलल हो जाती है। थर्ड वन जो है रे है ये आपके पास हो रही है अपने ही मीडियम, सरफेस ऑफ मीडियम से बाउंसिंग करके, बाउंस करके ये वापस जा रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट रेज क्या है कि अपनी, अब ये देखिए लाइट रेज क्या है, वाटर से टकराई, वाटर से एयर में जा रही, एयर से ये पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ सरफेस ऑफ मीडियम के पैरेलल ये रेज हो गई और ये वापस फिश के आईज में जा रही, ठीक है, इसमें आपने एरो के साइन को सही मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें लाइट सरफेस जो है वो क्या आ रही है बेटे के, यहाँ पे बेटे लाइट सरफेस देखिए, फिर यहाँ पे लाइट सरफेस वो कहाँ से लाइट रेज आ रही है बेटे, एयर से आपकी फिश के, यानी एयर से वो वाटर में जा रही है, जब एयर से वाटर में जाएंगी तो ये किधर जाती है आपके पास, नियर टू द आपके, एक तो होती है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल और एक होता है क्या होता है बेंडिंग ऑफ द लाइट टू द एयर फ्रॉम द नॉर्मल होता है बेंडिंग, और ये नियरेस्ट टू द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के पास आ जाती है। यहाँ पर सेकंड वन जो रे है वो जो पास हो रही है, ये भी जो सेकंड रे आ रही है ये भी जो है ये यहाँ पे क्या आ रही है, पैरेलल ऑफ मीडियम के, सरफेस ऑफ मीडियम के पैरेलल होगी, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल शो करिए और यहाँ से ये जब जाएगी फिश की तो ये कौन से होगी, ये इसके 90 डिग्री के। थर्ड वन जो है ये वाटर से, उन्होंने मेंशन किए हुए वाटर से ये अपने ही मीडियम में वापस जाएगी, ठीक है, तो फिश जो है लुक्स द वाटर अबव एज ए मिरर, तो ये मिरर से ऊपर, यानी फिश जो हमें अक्सर में जो हमें चीज जिस जगह पे नजर आती है उसे मैंने समझाया था कि स्विमिंग पूल अगर आपके शैलोअर होंगे, ठीक है, हमें शैलोअर नजर आते हैं लेकिन अक्सर में उसकी एक्चुअल डेप्थ जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आ गया अब आपको। अब नेक्स्ट वन है बेटे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे आपका सेकेंड क्वेश्चन ये मिराज का शुरू हुआ था, यहाँ से बेटे चेक कर लीजिए पेज नंबर 82 पे मिराज के दोनों पैराग्राफ हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन चैप्टर पेज पर आइए, मिराज को करना खाली आपने, ठीक है, और उसके अलावा उसमें आपने किसी चीज को नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ मिराज की डेफिनेशन के बारे में बताया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ये अब बेटे आंसर नंबर 3 स्टार्ट होगा, इसके ऊपर आंसर नंबर 3 राइट डाउन कर लें, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे आंसर नंबर 3, इसमें फर्स्ट वन आपने डिफाइन करना डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होता है बेटे फैलना, स्प्लिट करना, ठीक है, स्प्लिट, सनलाइट इज ऑफन कॉल्ड वाइट लाइट, जब जो सूरज की रोशनी जो आ रही होती है
वो आपकी कितनी होती है बेटे कि आपकी वाइट लाइट कहलाती है, और इट इज कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर से मिलकर ये वाइट लाइट बनती है। वी कैन सी द सी कलर्स इन ए रेनबो। अक्सर आपने रेनबो रेनबो कैसे कहते हैं, ठीक है कि रेनबो दीज कलर्स आर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन कौसे कज़ाक, ठीक है कौसे कज़ाक को हम क्या कहते हैं रेनबो। तो दीज कलर्स आर रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिको एंड वायलेट। बेटे इसे हम आसान लफ्जों में हम इसे विप ग्योर भी बोलते हैं। विप ग्योर, विप का मतलब इनके हमने फर्स्ट लेटर यूज करनी है, ठीक है। देखें वी का जैसे आपका आई गया वी, ठीक है इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ठीक है विप, ग्रीन का जी, येलो का वाई और ऑरेंज का ओ और आर का रेड। तो इसको हम क्या कहते हैं विप ग्योर, ठीक है ये वर्ड्स की एक कॉम्बिनेशन है जिसके। इसके बाद आपके पास है कि नेक्स्ट वन बेटे है कि वी कैन ऑल्सो स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब टूटना, कि वाइट लाइट जब इनटू द डिफरेंट कलर्स में जब ये टूटती है स्प्लिट होती है तो इट थ्रू द प्रिज्म, यानी जब ये वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो वाइट लाइट स्प्लिट होकर यानी टूटने के बाद ये सेवन कलर्स में चेंज हो जाती है। तो द बैंड ऑफ द बैंड कहते हैं पट्टी सी है, द बैंड ऑफ सेवन कलर्स ऑब्टेंड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। इसको अंडरलाइन कीजिए बेटा, द बैंड ऑफ वाइट लाइट सेवन कलर्स ऑब्टेंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम को अंडरलाइन कीजिए और ये डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है द बैंड से, यहाँ से आपने ब्रैकेट यूज कीजिए। द बैंड ऑफ वाइट ऑफ सेवन कलर्स ऑब्टेंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। नेक्स्ट वन बेटे आगे है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट हो रही बेटे, इसके ऊपर है, ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हम कहते किसे हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिट का मतलब था टूटना यानी सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाना। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये किसकी डेफिनेशन है बेटे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है कि द स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिट का मतलब डिस्पर्स हो जाना टूट जाना, कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये किसकी है बेटे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। अच्छा नेक्स्ट वन है बेटे आपकी, नेक्स्ट वन है बेटे कि आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है आपको, शो हो रही है बेटे। ये आपकी है प्रिज्म, ठीक है प्रिज्म को मैंने क्या बताया था, जिसकी टू ट्रायंगुलर साइड होती है और थ्री जो है रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, टू ट्रायंगुलर सरफेस और थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ प्रिज्म होता है जिसमें से जब वाइट लाइट पास होती है, ठीक है ये वाइट लाइट पास हो रही है, वाइट लाइट जब इसमें प्रिज्म में से पास होती है तो ये स्प्लिट होती है, और स्प्लिट होने के बाद ये थ्री सेवन कलर्स में यानी सेवन कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाती है। इसमें आपने देखा है कि रेड ऑरेंज, ठीक है रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है ये आपके जो है ये सेवन कलर्स में ये डिवाइड हुई है, और ये डायग्राम इसके साथ मस्ट ड्रॉ करनी है आप लोगों ने, ठीक है ये डायग्राम आप जो है आपने इसको मस्ट ड्रॉ करनी है इस आंसर नंबर थ्री के साथ। और ये विप ग्योर इसके सामने बेशक आपने विप ग्योर राइट डाउन करें, स्टार्ट नीचे से हो रही है, जो वाइट लाइट वायलेट कलर होता है बेटे, वायलेट कलर जो होता है सबसे ज्यादा जल्दी वायलेट डाइज होते हैं बैंड ज्यादा होता है, और जो रेड कलर होता है वो कम बैंड होता है इसमें, ठीक है जो वायलेट कलर है वो मोस्ट बैंड होगा और जो रेड कलर है वो कम बैंड होगी। नेक्स्ट वन बेटे नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 84। क्या हुआ बेटे, पेज नंबर 84 के व्हाई डज व्हाइट लाइट डिस्पर्स, के व्हाइट लाइट किस तरह डिस्पर्स क्यों होती है, ठीक है व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, कि जब बीम ऑफ, ये देखिए व्हाइट लाइट नजर आ रही है आपको, ये व्हाइट लाइट जब एंटर हो रही है कहाँ पे, प्रिज्म में, एंटर्स अ प्रिज्म ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट, तो तमाम जो कलर्स होते हैं वो रिफ्रैक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट का मतलब कि उनकी बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी स्पीड भी और लाइट भी, रिफ्रैक्ट एट ए डिफरेंट एंगल्स, हर जो लाइट है वो डिफरेंट एंगल से वो बैंड होगी। इट कॉजेज द वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स,
तो ये किसमें स्प्लिट होती है बेटे, कंपोनेंट्स कलर्स में। कंपोनेंट्स कलर्स मैंने अभी आपको बताए थे कि 7 कंपोनेंट्स कलर्स हैं वाइट लाइट को। जब वाइट लाइट डिस्पर्स होती है तो 7 कंपोनेंट्स कलर्स में चेंज होती है। रेड लाइट बीम्स बेंड्स ऑल द लिस्ट, यानी सबसे कम जो होती है बेंड लाइट कौन सी लाइट करती है, रेड कलर का। वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, वायलेट लाइट जो है वो सबसे मोस्ट बेंडिंग करती है, उसकी करती है बेंड का मतलब होता है मुड़ना। एंड रिफ्लेक्ट्स बाय द लार्जेस्ट एंगल, यानी उसका जो एंगल होता है वो लार्जेस्ट होता है वायलेट कलर्स का, और जो रेड कलर है उसका एंगल सबसे स्मॉल होता है। इन दिस वे ऑल लाइट्स, वाइट लाइट जो है डिस्पर्स इनटू द इट्स कंपोनेंट्स कलर, तमाम वाइट लाइट जो है वो जब प्रिज्म से पास होती है तो ये कंपोनेंट्स कलर में चेंज हो जाती है। व्हेन दिस स्पेक्ट्रम इज अगेन पास्ड, यही स्पेक्ट्रम यानी जो लाइट जब आपकी स्प्लिट हुई है और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई है, तो यही 7 कलर्स जब दोबारा से अगेन पास होंगे सेकंड प्रिज्म में से, अब देखिए प्रिज्म को उन्होंने इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, इसमें से जब वाइट लाइट यानी ये 7 कलर्स दोबारा से प्रिज्म में से पास होंगे तो ये दोबारा से इसमें चेंज हो जाएगी बेटे, बीम ऑफ वाइट लाइट, ये बीम ऑफ वाइट लाइट में दोबारा चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट वन जो है बेटे ये देखिए, ये नेक्स्ट थर्ड वाली भी उन्होंने प्रिज्म बनाई हुई कि वाइट लाइट पहले डिस्पर्स हुई ए में से, अब रेड कलर के जो एंगल है वो सबसे लीस्ट है, लीस्ट मतलब सबसे कम है, और जो वायलेट कलर का एंगल जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि हमने आपका क्या है कि व्हाई डस वाइट लाइट गेट डिस्पर्स, यहाँ पे आपका ये आंसर नंबर जो है 3 है, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसे ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दो बेटे, ठीक है ब्रैकेट लगा लिया, ये यहाँ तक इसका आंसर है। और इसमें डायग्राम जो है वो सिर्फ आपने सिंपल जो फर्स्ट वाली मैंने बताई थी वही आपने बनानी है, ये वाली नहीं बनानी, ये बहुत मुश्किल है, ये आपसे बन नहीं सकेगी। ठीक है, वही वाली लाइट जो है आपने बनानी है। नेक्स्ट मैंने है बेटे रेनबो इन्फॉर्मेशन, कि रेनबो किस तरह बनती है, कि रेनबो किस तरह बनती है। व्हाइट बेटर के रेनबो किस तरह बनते बेटे, रेनबो जो है इज ए नेचुरल डिमोन्स्ट्रेशन, एक नेचुरल कुदरती है जो किसे किसे मिलकर बनी है, के रिफ्लेक्शन से, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है रेनबो। ठीक है, इज ए नेचुरल कुदरती एक फिनोमिना है, ठीक है डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेट किस तरह आपकी रेनबो बन रही है। डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बताया था मैंने कि लाइट जो है वो बेंड करती है और लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, एक तो इसमें पास चेंज होता है, सेकंड वन जो है वो इसमें आपका क्या चेंज होता है, आपके सेकंड वन बेटा चेंज होता है पाथ एंड स्पीड। थर्ड सेकंड वन है बेटा डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में जो है वो वाइट कलर जो है वो डिस्पर्स होता है 7 कलर में, स्प्लिट होता है 7 कलर्स में। डिस्पर्शन का मतलब तक है वाइट कलर में क्या है स्प्रेड हो रहे हैं 7 कलर। थर्ड वन था बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट जैसे आपका वाटर से एयर में लाइट जाई थी, तो पहले तो ये क्या था कि वाटर से जब एयर में गई तो उसने अपने पाथ एंड स्पीड दोनों चेंज करेंगे, उसमें इसकी जो होती है पाथ भी चेंज हो जाता है जब अदर मीडियम में एंटर होती है। सेकेंड वन जब वो अपने मीडियम में होती है बाउंसिंग करती है, तो यहाँ पर वो जो है वो वापस बाउंसिंग करके उसी मीडियम में आती है। ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटे उसमें रिफ्रेक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों चीज़ें, यानी दोनों लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं दोनों यूज होती हैं, रिफ्रेक्शन भी यूज होती है और रिफ्लेक्शन भी यूज होती है। यानी रिफ्रेक्शन का मतलब होता है जब इसमें जिसमें लाइट जो होती है वो अपनी पाथ और स्पीड दोनों चेंज करती है, इसमें अपना मीडियम चेंज करती है, तो इसमें क्या होता है बेटा रिफ्रेक्शन होता है। जब वो आती है रिफ्लेक्शन करती है प्रॉपर्टी, तो रिफ्लेक्शन में ये है कि आपकी जो है वो लाइट जो है वो अपने मीडियम यानी अदर मीडियम से अदर मीडियम में भी पास करती है, और सेकंड वन जब वो उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से क्रिटिकल एंगल जो इंसिडेंस एंगल जो है वो ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो वो जो होता है फिर वो अपने मीडियम में बाउंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट वाइट लाइट ऑफ द सन पासिस, यानी यही वाइट लाइट जो है जब सन पास करती है थ्रू द रेनी सीजन, यानी आपने देखा होगा अक्सर जब आप बारिश के बाद जब बारिश खत्म हो जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा रेनबो जो होती है वो आपको अपने आसमान पे सामने नजर आती है। किस वजह से बेटे, कोई रेन ड्रॉप्स, ठीक है सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब होता है बेटे कि
जैसे हवा में मौलिक होता है, हवा में लटका हुआ होता है, जैसे हवा में से ऊपर नीचे कहीं पे नहीं जा रहा होता, कहीं एक जगह पे ठहर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड। ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स कोई भी सस्पेंड हो जाता है जो एज ए इसके काम करते हैं, प्रिज्म के तौर पे वो काम करता है। तो प्रिज्म के तौर पे वो रेन ड्रॉप काम करेगा, तो उसमें से कोई भी, जब उसमें से सनलाइट पास होगी तो सनलाइट कौन से कलर में होती है बेटे, व्हाइट लाइट पे। जब यही व्हाइट लाइट उस रेन ड्रॉप से पास करेगी तो व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी सेवन कलर्स में, यानी स्प्लिट हो जाएगी वो सेवन कलर्स में। ठीक है, वो टाइनी प्रिज्म बन जाता है, जो आपका सन ड्रॉप है वो, सॉरी रेन ड्रॉप जो है वो आपका क्या बन जाएगा बेटे, टाइनी प्रिज्म। और उसमें से व्हाइट लाइट जब आपकी पास होगी तो व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है सेवन कलर्स में। तो यही सेवन कलर्स फिर जो आपको आसमान पर नजर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉसो कजा या रेनबो। ठीक है, आफ्टर रेनफॉल अ रेनबो में अपियर, बहुत सारी यानी आपको आसमान पे नजर आ रही होती हैं चीजें, ये सब चीज ठीक है कि आपको कौसो गजा नजर आती। आप कहते हैं अक्सर हमने जी रेनबो देखी आसमान पे, कैसे देखी होती है कि कोई रेनबो, कोई रेन ड्रॉप जो होता है वो सस्पेंड हो जाती है, सूरज निकलता है, और उसकी शर्त ये होती है, बहुत सारी दफा बारिशें हो रही होती है लेकिन हर दफा कौसो गजा नहीं बनती आसमान पे। ठीक है, कभी कभी बनती, उसकी वजह क्या है कि आप हमेशा जो आपको नजर आएगी डिफरेंट, यानी सनलाइट जो नजर आएगी कलर्स हमेशा जो होता है आसमान के सामने, यानी सूरज के सामने से लाइट रेड व्हाइट लाइट जब उस आपके रेन ड्रॉप में से पास होगी तो वो सेवन कलर्स में स्प्लिट होगी, तो आपको सामने अपने सामने जो है वो नजर आएगी। ठीक है, अक्सर बहुत ज़्यादा तूफान बारिश होती है, ठीक है, उसमें क्योंकि आज सूरज नहीं निकलता है, जब सूरज नहीं निकले कहीं तो उसकी व्हाइट लाइट जो है उस ड्रॉप पे नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वहां पे कौसो कजा नहीं बनती है। समझ में आ गया, अब आपके कौसो कजा बनती कैसे है कि उसके लिए मस्ट है कि सूरज का निकलना, ठीक है, सनलाइट मस्ट होती है। सेकंड वन आपकी जो है लाइट जो है, सिंस रेड कलर्स जो है बेंड करता है द लीस्ट एंड द वायलेट कलर्स बेंड्स एट द मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटे कि इसका जो ओरिजिनल पाथ है, मोस्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल पाथ जो है सो इन द रेनबो द रेड कलर अपीयर्स एट द टॉप, कि हमेशा रेड कलर कहाँ पे नजर आएगा आपको, टॉप पे नजर आएगा, और जो वॉयलेट कलर्स है वो अपीयर्स एट द बॉटम। ठीक है, अब एनी प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस करिए। द अदर कलर अपीयर्स इन बिटवीन द दीज टू कलर्स, और जो बाकी कलर्स हैं वो इन दोनों कलर्स के दरमियान में आपको नजर आते हैं। गस टाइम जो है वो फिनिश होने वाला है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे आप अपनी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है।